बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब पीने की वजह से 28 लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं और ये मौतें सिवान और छपरा में हुई हैं। पुलिस के अनुसार सिवान में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हुई है जबकि छपरा में 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इन सभी लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जहरीली शराब की वजह से मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। डॉक्टरों के अनुसार जहरीली शराब पीने की वजह से जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है उनकी हालत बेहद खराब है। उधर जहरीली शराब से मौत की खबर के बीच राज्य सरकार के मंत्री रत्नेश सादा का अजीबोगरीब बयान भी सामने आया है। जहरीली शराब पीने से इतनी मौत के बाद भी मंत्री यह नहीं मान रहे हैं कि यह प्रशासनिक विफलता का मामला है। उनका मानना है कि यह कोई प्रशासनिक विफलता नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन सभी लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। हालांकि इस बीच मंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में अब सभी शराब माफियाओं पर CCA लगाया जाएगा। इसको लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और CCA का प्रस्ताव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात की जाएगी। प्रशासनिक तैयारी के बाद शराब माफिया पर CCA लगाने का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले ही साल सीतामढ़ी में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों के परिवार का कहना था कि जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई थी उन सभी ने एक साथ बैठकर शराब पी थी। जहरीली शराब पीने के बाद इन लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर इलाज के दौरान एक एक कर सभी लोगों की मौत हो गई थी।